अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम 11 मई को ऑल हरियाणा रोडवेज जंक्शन कमेटी के आह्वान पर कुरुक्षेत्र डिपो में कार्यकर्ता की मीटिंग ली गई, जिसकी अध्यक्षता डिपो प्रधान नवीन शर्मा अत्री ने संयुक्त रूप से की। संचालन डिपो सचिव रंजीत करोड़ा ने किया। बैठक में मुख्य तौर पर राज्य उप महासचिव माया राम उनियाल एवं राज्य सचिव दलजीत सिंह राणा मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। आज की बैठक में महानिदेशक द्वारा जारी तुगलकी फरमान का जोरदार विरोध किया गया एवं पूरे हरियाणा में महाप्रबंधकों पर नजर रखी गई कि कौन सा महाप्रबंधक 2016 के चालकों की नौकरी से निकालने का आदेश जारी करता है। यूनियन के कड़े तेवर को भांपते हुए किसी भी महाप्रबंधक ने ऐसी कार्रवाई नहीं की, जिसमें यूनियन के ने महानिदेशक से अपील की कि वह अपने आदेशों को तुरंत प्रभाव से वापस ले, जिससे 368 परिवारों का घर परिवार सुचारू रूप से चल सके। आज की बैठक में देवेंद्र शर्मा, रामकुमार शर्मा, सुरेंद्र पी आर के एस, प्रदीप शर्मा, बलदेव सिंह, राजपाल, अश्विनी कुमार, सत्यप्रकाश, हमारा शिष्टमंडल है राज्य प्रधान श्री हरिनारायण शर्मा की अगुवाई में माननीय परिवहन मंत्री महोदय को मिला था। विचार विमर्श करने के बाद मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि किसी भी कीमत पर इन कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा। मंत्री जी और एसीएस साहब के आदेशों की जो कॉपी है वो हेड ऑफिस में माननीय डीजी महोदय जी के कार्यालय में भेजी गई, उससे उलट डीजी साहब ने एक अपना तुगलक फरमान जारी किया है, जिसमें सभी महाप्रबंधकों को ये आदेश दिया गया कि 2016 के चालों को कल सुबह यानी आज 9 बजे उनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाए, उनको नौकरी से बर्खास्त करा जाए। ये सब आदेश सभी महाप्रबंधकों को दिया हुआ है। यूनियनी राज्य प्रधान ने इसका संज्ञान लेते हुए सभी डिपो कमेटी को आदेश जारी कर दिए थे कि कोई भी महाप्रबंधक यदि इस तरह की कार्रवाई करता है, डीजी साहब के आदेशों की पालना में अगर कोई कार्रवाई करता है तो उसी समय उस डिपो को बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद पूरा हरियाणा का चक्का जाम किया जाएगा। लेकिन आज हम पूरे कुरुक्षेत्र डिपो में भी पूरे हरियाणा के अंदर सारी कमेटी स्टेट के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, हम इसी पर नज़र गड़ाए बैठे थे कौन सा अधिकारी, कौन सा महाप्रबंधक ये कार्रवाई करेगा। लेकिन आज तक अभी तो किसी महाप्रबंधक ने ये कार्रवाई नहीं करी। हम गेट पे ही बैठे रहे सवेरे 9 बजे से, तो कुरुक्षेत्र में तो ऐसी कार्रवाई हुई ना, हमारे संज्ञान में अभी तक हरियाणा में कोई इस प्रकार की कार्रवाई आई। हम अपील करेंगे, आपके माध्यम से अपील करेंगे डीजी महोदय को कि वो सरकार से जो वार्ता हुई है यूनियन की, उस वार्ता को स्वीकार करें और किसी की रोजी रोटी को ना कोसें। ये हमारी अपील है डीजी महोदय से कि वो दोबारा सोचें और अपने आदेश को वापस लें।